हमारा परिवार ना नेत्रदान के लिए जा रहा है। हाँ हाँ यार, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आज की गर्ल हर फील्ड में सुपर गर्ल है। शांकी, हमें नेत्रदान करना चाहिए। सोच, अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हम नए नए गैजेट कैसे यूज करते हैं? अरे शालू, मुझे सब पता है। हम तो सब लोग जा रहे हैं नेत्रदान के लिए, और शर्मा जी के कॉलेज के तो कोई 200 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तू भी आ जा। धन्यवाद भाभी जी। आज मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे वाह, तो फिर जल्दी कहिए ना, क्योंकि ये सबके फायदे की बात है, हैं? भाभी जी, ये हैं हमारी कॉलोनी के मंदिर के नए पंडित जी। शुरुआत ये करेंगे, मैं इनका साथ दूंगा। चलिए पंडित जी, शुरू हो जाइए। देखिए, हमें ज्ञात हुआ है कि आप चक्षुदान करने के लिए प्रेरित हैं, इसीलिए हम यहाँ नेत्रदान की कुछ हानियों से अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या करने के लिए क्या हुआ है? पंडित जी, आपको भी आई डोनेशन करनी चाहिए। अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, भगवान झूठ ना बुलवाए। इस जन्म में नेत्रदान का अर्थ, अगले जन्म में अनर्थ। देखिए पंडित जी का ये बताना है कि जो मनुष्य इस जन्म में नेत्रदान करता है वो अगले जन्म में बिना नेत्रों के पैदा होता है। नहीं नहीं अंकल, ऐसे नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, भगवान झूठ ना बुलवाए। भगवान के नाम पे कितना झूठ बोलता है ये पंडित। बाकी आपकी अपनी इच्छा। पंडित जी, हमारा काम हो गया, हम चले। चलिए। मुझे लगता है ये सही कह रहा है। I don't think so. पंडित जी ना फिजूल की बातें कर रहे थे। मुझे सब पता है, पंडित जी की बात में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है। नहीं नहीं, मुझे सब पता है, मुझे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगले जन्म मुझे नेत्रहीन ही की जो। डैड गलत है, मॉम सही है। मॉम गलत है, डैड सही है। तुम तो डैड की चमची हो ना, इसलिए डैड की बात में हाँ मिलाती हो। क्योंकि डैड हमेशा राइट होते हैं। होते होंगे, लेकिन इस बार मॉम सही है। एक मिनट, तुम लोग ये बहस किस बात पे कर रहे हो? पापा, सक्सेना जी और पंडित जी आए थे, मॉम को समझा कर गए कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होते हैं। और तुम्हारी मम्मी ने पंडित जी की बात का विश्वास कर लिया? हाँ, क्योंकि मॉम जो भी काम करती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। काश कभी दिमाग से भी कर लेती। क्या करूं? क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। बाल गोपाल, कुछ करो, इनकी आंखों से अंधविश्वास का अंधेरा हटाओ बाल गोपाल, नहीं तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो बिना आंखों के रह जाएंगे। गोपाल, मैं ये अंधेरा दूर कर दूंगा और अच्छाई की एक ऐसी लाइट लेकर आऊंगा कि सबकी आंखें ब्राइट हो जाएंगी। हाँ, ये ठीक है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आईज ग्लो एंड गॉन हो गई है। और मम्मी, आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अरे तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लेकिन हुआ क्या? अरे वो ये सक्सेना साहब और ये पंडित की वजह से ना मेरी आंखों की रोशनी चली गई इन दोनों की वजह से। नहीं 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 नहीं, वो सुनिए, वो हुआ यूं कि मैं और पंडित जी मंदिर के लिए नई दान पेटी ला रहे थे, हैं? तो अचानक साधना जी आ गई बीच में, हैं? और वो दान पेटी जो थी वो इनके सर के ऊपर गिर गई। और सिर पर गिरते ही ये मूर्छित हो गई, और जब इनकी चेतना वापस आई तो इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। आप दोनों को भी अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखना होगा। मुरली, क्या पट्टी और काला चश्मा ले गया? अभी लाता मैम साहब। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से इनकी आंखें चेंज कर दीजिए ताकि हम भी ये चश्मा चेंज कर सके। जी मुश्किल है, इनकी आंखें एक्सीडेंट में चली गई है, अब इनके लिए आंखें कहां से मिलेगी?
डॉक्टर अंकल एक काम हो सकता है, आप ना एक आंख सक्सेना अंकल के ले लीजिए और दूसरी आंख पंडित जी, इनकी वजह से मॉम की आंखें गई है। गुड, ये सही रहेगा। अरे नहीं नहीं भाई, ये नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो इस पंडित का किया धरा है। कहाँ है ये पंडित? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी, आपने तो कहा था कि साधना जी के घर पर जाकर के उनकी नेत्रदान के पथ को विचलित कर दीजिए। मुझे सब पता है, इन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे मुरली चश्मा तो साफ कर देना। हाँ अरे ये तो सब मुरली वाले का करिश्मा है। जय हो। बिल्कुल जय हो, जय हो। और अब हम जाएंगे चक्षु दान के लिए, जिसके लिए पंडित जी और ये सक्सेना जी दोनों जाएंगे हमारे साथ। चलिए चलिए, कुछ पुण्य का काम कीजिए, अगला जन्म सुधर जाएगा, समझा? गोपाल गोपाल, आज तुमने एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाई दिया मुझे भी और साधना को भी।